इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर मंजीत रंजन बाल रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर रागिनी सिंह मानसिक मनोरोग विशेषज्ञ। मिलने का पता अस्पताल रोड पचरुखी बाईपास सिवान। नमस्कार प्रणाम, हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बोल बोल। चर्चा कल जाई एगो बहुत बड़ा बात कही भोजपुरी में। सिवान जिला के मैरवा से एगो बहुत बड़ा खबर अहम खबर आ रहल बा रुआ के दिखा रहल बानी। सिवान जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी आज मैरवा पहुंचल बानी, जहां बड़ा निरीक्षण हो रहल बा वहां के एक एक करके मेडिकल कॉलेज जौन निर्माणाधीन बा सिवान के मैरवा जौन कृषि फॉर्म में निर्माणाधीन ई मेडिकल कॉलेज बा ओकर भवन के निरीक्षण आज जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी के द्वारा कई गल है। वहाँ के साथे दर्जनों जिला के आला अधिकारी लोग मौजूद रहनी हों। तो बहुत बड़ा खबर अहम खबर भोजपुरी बत कही, हर खबर रुआ के सबसे पहले दिखावे के कोशिश कर रहा बा भोजपुरी बत कही के कैमरा सबसे पहले हर जगह रुआ साथे मौजूद बा। जहाँ भी निरीक्षण होता भोजपुरी बत कही के कैमरा ऊर्जा साथे साथे चल रहा बा। रुआ के देखा रहा बनी सिवान जिला के मैरवा में जिला पदाधिकारी महोदय पहुँचल बनी, जहाँ निरीक्षण कर रहा बनी, तमाम चीज ऊर्जा मिल रहा बा। खुलासा करें वहाँ से बातचीत कर जाई मुकुल कुमार गुप्ता जी जौन सिवान जिला के तेज तर्रार जिला पदाधिकारी आई, वहाँ के का कहता नहीं निरीक्षण के क्रम में का पौनी हो सब कुछ बातचीत कर जाई। रउरा के भोजपुरी बतका ही अपना भाषा में ई खबर दे रहल बा, अगर अच्छा लगे तो भोजपुरी बतका ही यानी अपना भाषा के चैनल अपना भोजपुरी स्मिता के चैनल के शेयर करी सब्सक्राइब करी। अगर सब्सक्राइब कर ले बानी रउरा के बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से रउरा के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं की कहले तो भोजपुरी बत कही यानी अपना भोजपुरी भाषा के चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई बिना देर कहले हमने के पूछल जाई कि का देखनी है निरीक्षण के क्रम में का पौनी है जिलाधिकारी महोदय। देखिए सिवान में बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 85 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके अलावा 4-5 की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, 30-40 की संख्या में APHC का निर्माण हो रहा है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। तो कुल मिला के 85 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण सरकार यहाँ कर रही है। इसी क्रम में आज हमारी हम सिविल सर्जन साहब, BMSCIL के जनरल मैनेजर साहब और बाकी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, साथ ही साथ रेफरल हॉस्पिटल मैरवा और इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बन रहा है चनौर में, उसके साथ साथ APHC मकरियार का और रेफरल हॉस्पिटल जो CHC के रूप में नया मैरवा में बन रहा है उसका निरीक्षण किया। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आगे आने वाले 1-2 सालों में सिवान में जो स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य जो सुविधाएँ उसमें भारी इजाफा होने वाला है, लोगों को काफ़ी सुविधाएँ मिलने वाली हैं, साथ ही साथ काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेज की भी बहाली और इस ज़िले में पोस्टिंग हुई। तो निरीक्षण क्रम में सभी जगह काम सही समय पर चल रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि समय सीमा के अंदर सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। तो NM कॉलेज में क्या प्रोग्रेस पाएगा? NM कॉलेज में प्रिंसिपल और जो दो फैकल्टी हैं दोनों एबसेंट पाए गए हैं, हमने सिविल सर्जन साहब को बोला है कि उनसे परीक्षा करें क्योंकि उसमें गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज दोनों साथ में, तो निश्चित रूप से तीनों का एक साथ एबसेंट होना उचित नहीं है, तो उसमें स्पष्टीकरण किया जाएगा और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 5 होमगार्ड दिए गए हैं वहाँ पर, एक भी महिला होमगार्ड नहीं थे, तो हमने निर्णय लिया है कि 3 महिला होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति वहाँ की जाए। नमस्कार, विज्ञान एवं केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। अभिलाष गिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्थापक श्रीराम इंटरनेट पश्चिमी पुराना ढाला के पास मैरवा हर तरह के जन्म प्रमाण पत्र पैसा किसी बैंक से पैसा और कंप्यूटर संबंधी तमाम काम के लिए जरूर पधारें।